मैं चैनल में मेरी इंटरव्यू थी अभिनंदन जी के आने से एक दिन पहले रात को, बार बार अभिनंदन जी के ऊपर जिक्र कर रहा था। मैं उनको ये कह रहा था, मैं कहा हमें भावुक मत करो, इस वक्त हमारा जवान, इस वक्त हमारे हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर हमारे पिता समान, हर हमारी मां बहन खुद बंदूक लेकर तैयार खड़ी है मातृभूमि की रक्षा के लिए। हमें कमजोर करने की कोशिश मत करो, हमें भावुक मत करो। हजारों जवानों ने शहादत दी है, हजारों जवान शहादत देंगे, पर भावुक करने की कोशिश मत करो। अभिनंदन जी आएंगे, हर हालत में आएंगे, ये पाकिस्तान को भी पता है। अगर हमने को कमी छोड़ दी तो उसके बाद क्या होगा, हमारे फौज के जनरलों की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हो चुकी थी और उसी वक्त इमरान खान की तरफ से जवाब आया कि हम उनको वापस भेजना चाहते हैं। सबसे पहले हमें राष्ट्र के लिए एक होना है। कई राजनीतिक पार्टियों को ट्रेनिंग दी दी गई, पुराना पॉलिटिशियन, हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई कि हमारा मकसद राष्ट्र है या हमें कुर्सी सत्ता लेनी है, हमें मंत्री बनना है, हमें सीएम बनना है, हमें कुछ और बनना है। ये ट्रेनिंग कई बार दी नहीं जाती। मैंने राजनीति को बड़ा करीब से देखा। हम जब बचपन में निकलते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के, छोटा सा मैं बच्चा था, सुबह सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकालते थे और नारे देते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, और दोपहर को पत्थरों पे खाना खाया करते थे। कहां वो वक्त था। हम अपने आप को नहीं बदले, हम अपने विचारों को नहीं बदला, पर आज कईयों के विचार ही नहीं। आज वंदे मातरम बोलो तो कई ये आरएसएस का है, भारत माता की जय बोलो ये बीजेपी का है। मेरे से सवाल उठते रहे, अरे जब मैं बचपन में वंदे मातरम बोलता था, जब मैं बचपन में भारत माता की जय बोलता था, आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। अब जो समझना समझो, मैं तो भारतीय हूं।